ये जो वीडियो बनेगा, ये जो EKYC कैसे करता है, इसका वीडियो है, तो आप लोग देखते रहिए। जो जो अभी तक EKYC नहीं गए ना, फ्लैट फ्रेश शॉप जो ओनर लुक है, चावल दुकान लुक का जो ओनर लुक है, जो अभी तक EKYC नहीं गया है, तो इसके लिए है ये वीडियो। तो EKYC करने के लिए अपना मशीन के ऊपर ऑनलाइन मोड में रखना पड़ेगा। तो ऑनलाइन मोड में रखने के लिए हम लोग को क्या करना है, कम्युनिकेशन सेटिंग में जाना है और वाईफाई में जाके करना है। आप आपको हम स्टेप वाइज बताएगा। इससे पहले ऑनलाइन मोड रखने से पहले अपना ये क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट को ऑन करना है और यहाँ का वाईफाई से कनेक्ट करके आप करना है बता। तो ऑनलाइन करने के लिए अपना वाई हॉस्पॉलो डाटा हॉटस्पॉट ऐसे करके आप अपना मशीन से कम्युनिकेशन सेटिंग में जाके वाईफाई में जाके कनेक्ट कर लेना। तो अब अपना डाटा और हॉटस्पॉट को खोल दिया, अभी कम्युनिकेशन सेटिंग में जाके पर स्टेप, उसके बाद वाईफाई सेटिंग वाईफाई, इसमें यहाँ क्लिक नहीं करना, ये एड में क्लिक करना है। इसके बाद स्कैन करना है, स्कैन करते ही अपना जो हॉटस्पॉट नाम आ जाएगा, मेरा ये है, तो अपना अपना आ जाएगा। इसमें अपना पासवर्ड डालना है, मेरा वाला हम डाल देगा। ये पासवर्ड डाल दिया, इसके बाद अभी ओके करो, तो कनेक्ट हो जाने से यहाँ आ जाएगा नेटवर्क सिग्नल, जो ये मैसेज आएगा, इसको येस करना है। ओके, तो ये नेटवर्क सिग्नल भी आ गया, ये भी नाम भी आ गया, तो ये कनेक्ट हो गया। अभी कुछ भी नहीं करना, बैक बैक क्लिक करो, बैक और क्लोज। तो अभी मेन इसमें ध्यान देना है, आरडी और नेटवर्क सिग्नल, ये दोनों ग्रीन हो जाना अभी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क सिग्नल तो आ गया ग्रीन, अभी आरडी को वेट करेगा ग्रीन होने देगा, उसके बाद PDS में जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आरडी भी ग्रीन हो गया, नेटवर्क सिग्नल भी ग्रीन हो गया। तो मशीन जो अभी कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड में है, EKYC करने के लिए मशीन को ऐसे ऑनलाइन मोड में रखना है, कम्युनिकेशन सेटिंग में जाके ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसके बाद अभी PDS में क्लिक करो, और यहाँ कहीं भी नहीं जाना है, बस स्टार्ट डाउनलोडिंग शॉप ओनर डिटेल्स, उसके बाद ओके। ये पेज आएगा सेम बराबर इसके लिए भी। तो ये जो ऑनलाइन जब मोड में होता है ना, एंटर लॉगिन पासवर्ड, इसमें 1 2 3 4 5 6 ऑनलाइन मोड में हाँ, तो इसमें फर्स्ट स्टेप में 1 2 3 4 5 6 तक डालना है, इसके बाद ओके करना है। फिर ये वाला पेज वापस आएगा, एग्री एग्री, फिर प्लीज़ एंटर पासवर्ड, इसमें अपना जो मशीन का नंबर है ना, ये कॉर्नर साइड में हम देते हैं दिया हुआ है मतलब, तो इसको डालना है। तो ये हम पासवर्ड डाल दिया, अभी ओके करना है, ये रॉन्ग पासवर्ड हो गया, 2 0 0 0 1 0 0 2 1 2 3, रॉन्ग पासवर्ड। ऐसे दिखाने से ये वाला, ये जो ब्लू वाला एरो मार्क ऊपर दिखा रहे हैं ना, इसको क्लिक करना, इसको एक दो बार क्लिक करने से आपका वो हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैलिड पासवर्ड, फिर एक बार ट्राई करेगा पासवर्ड डाल के, डाल दिया लेकिन वैलिड, तो ऐसे दिखाएगा बार बार इन बैर, कोई कोई बोलता है कि ये टिक नहीं हो रहा मशीन, ऐसे नहीं होता है। ये जो ग्रीन वाला बटन है ना, यहाँ दिया गया है, इसको इसको क्लिक करते हैं 2 3 बार, 2 0 0 0 1 0 0 2 1 2 3 4, ओके। ये फिर आप पासवर्ड डाल दिया, आप फिर ओके करके देंगे। जब भी ऐसे इनवैलिड पासवर्ड दिखाने से, ये जो ग्रीन वाला बटन है, कीपैड है, इसको क्लिक करना है 2 3 बार, तब जाके हो जाएगा। तो ये हो गया, ये ऑलरेडी हो गया, अब इसमें ओके करना है, ऑपरेटर लॉगिन सक्सेस, ओके करके ये ऑप्शन आएगा, इशू अदर सर्विस रिपोर्ट अपलोड इंस्पेक्शन ऑनलाइन, ये सब में नहीं आना, बस आप EKYC के लिए हाँ, इसमें अदर सर्विस में जाना है और इसमें जाके मोबाइल नंबर सीडिंग, इसको ज़रूरत नहीं, बेनिफिशियरी वेरीफाई, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करके
जो राशन कार्ड नंबर देते हैं ना आप लोग को, हम जो दिया है 1240 वाला, जैसे कि ये मेरा जीजा जी का हो गया, ये राशन कार्ड नंबर 1 2, इसको डाल के देखेगा अभी। तो ये हम राशन कार्ड नंबर डाल दिया, जो आप लोग को मशीन के साथ हम एक कागज़ दिया था, तो वो नंबर को डालना है इधर। डालने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद तब यहाँ में आपका मेंबर डिटेल्स सब आ जाएगा, जैसे कि ये तयो टुगो वगैरह वगैरह, तो आप लोग का वहाँ का अपना मेंबर डिटेल्स आ जाएगा। तो मेंबर डिटेल्स में फॉर एग्जांपल आपका कोई भी एक्स वाई जेड ना इसको करेगा बोलने से, जैसे कि तयो में एक एक पर्टिकुलरली नाम में ऐसे क्लिक करें, तो ये ब्लू वाला मार्क आ जाएगा कलर, जो ऐसे क्लिक करके ये स्कैन ऐप पी में क्लिक करना है, क्लिक करके एग्री करना है, एग्री। फिर ये इसमें देखे एंटर 12 डिजिट आधार नंबर, तो ये आधार कार्ड नंबर डाल दें। ये तो अभी मेरा वाला ऐसे जस्ट एग्जांपल दिखाने के लिए हो गया है। तो इसमें जो जिसका आधार कार्ड है ना, जो मेंबर्स का, जो बेनिफिशरी का, इसका आधार कार्ड सबको लेकर आओ बोलो, और ये आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर 4505 6101 03 28। तो ऐसे आधार कार्ड नंबर डाल के ओके करना है। Please place finger on scanner. तो ऐसे करके ऐसे फिंगर स्कैन या में जो फिंगर प्रिंट या डाले, तो आप ही बीप वाला आवाज़ है ना, इसको वो करना है। किसी कभी 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 किसी का रीडिंग नहीं होता, और जो बिलो 20 मतलब 14 ईयर्स का जो जो छोटा बच्चा लोग का कभी कभी आधार कार्ड नहीं होते ना, इन लोग का भी वो नहीं होता है, कुछ मैसेज आएगा नोट रजिस्टर क्या था भूल गया, ऐसे कुछ मैसेज आता है। तो एक बार ऐसे आधार नंबर डालना है, डालने के बाद फिंगरप्रिंट डालने के बाद या बिप करके आवाज़ आएगा, उसके बाद ये वाला मैसेज आएगा EKYC रजिस्टर सक्सेसफुल। तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए हम दिखाए हैं, मेरा नहीं है। इसके बाद इसका डिटेल्स निकल जाएगा जो आपका कस्टमर का ना, तो ऐसे करके डिटेल्स निकल जाएगा, ओके करना है। इसके बाद खत्म। फिर एक्स वाई जेड जो भी है इसका क्लिक करना है यहाँ, ओके एग्री एग्री। तो आधार नंबर लगना है, ओके करना है। तो मैसेज आपको वो कमांड करेगा प्लीज़ प्रेस फिंगर ऑन स्कैनर, तो यहाँ डालना है। कभी कभी किसी का ये रीड नहीं करते, तो एक दो बार अच्छे से 10 उंगली को ट्राई करने देना है, थंब फिंगर, ये मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और ये फिंगर, सबको ट्राई करने देना है, लेफ्ट साइड लेफ्ट राइट बोथ दोनों को। तो ऐसे करके इसको EKYC प्रोसेस किया जाता है, इतना ही तक था। EKYC प्रोसेस को लेकर कुछ भी कन्फ्यूजन, कुछ भी प्रॉब्लम होता है बोले साहब, मैसेज करो कमेंट में, तो आपको वो कर देगा, सॉल्व कर देगा। थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए।